नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे टेक्नीशियन हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन की इनबिल्ट बैटरी को रिमूव करने के लिए ट्वीज़र या तो स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हैं या फिर इसी तरह कोई भी टूल्स को यूज़ करते हैं। और इस टूल से बैटरी को रिमूव करने के दौरान ये टूल बैटरी के अंदर घुस जाते हैं और बैटरी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी ब्लास्ट हो जाते हैं या तो बैटरी से भारी मात्राओं में आग निकलते हैं। और इस टाइम बहुत ही रिस्क होते हैं जिसमें हमारा कुछ फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों, आप पहले इसी रीज़न का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, बैटरी से किस तरह आग निकल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की दुर्घटना खास करके नया टेक्नीशियन के साथ मोबाइल की इनबिल्ट बैटरी को फ्रेम से अलग करने के दौरान हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को कोई भी मोबाइल फ़ोन की इनबिल्ट बैटरी को रिमूव करने की सेफ तरीका दिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को कोई रिस्क नहीं होगी और आप कोई भी मोबाइल की इनबिल्ट बैटरी को बड़ी आसानी से फ्रेम से अलग कर पाएंगी। तो सबसे पहले हम इस तरह फ़ोन की बैटरी को रिमूव करने की सही तरीका जानेंगे। तो इस तरह फ़ोन की जो बैटरी होते हैं ये रिमूव करना बहुत ही इजी होते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस तरह फ़ोन की बैटरी को रिमूव करने की सही तरीका क्या है। तो इस तरह फ़ोन की बैटरी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी की दोनों साइड में जो टेप लगी हुई है उसको आपको बैटरी से अलग कर लेना है और इसके बाद इस टेप को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ इस टेप की बैटरी को किस तरह रिमूव करना है। इस तरह आपको बैटरी की टैप को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है और देखिए हमारा यहाँ पे बैटरी बड़ी आसानी से रिमूव हो रहा है। तो इस तरह आप लोग इस टाइप की बैटरी को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हो। और इसके बाद मैं आप लोग को बैटरी को दिखाता हूँ। देखिए बैटरी हमारा किसी भी तरह कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। और अभी हम देखेंगे इस तरह फ़ोन की बैटरी को किस तरह रिमूव करना है। दोस्तों, इस तरह फ़ोन की बैटरी को भी रिमूव करना इजी होता है अगर इसकी एडिसिव स्ट्रिप बाहर आए तो। दोस्तों, इस तरह फ़ोन जब ओल्ड हो जाते हैं तो बैटरी की इस तरह ग्लू टेप को बाहर खींचने के टाइम ज़्यादातर फ़ोनों की टूट जाते हैं। तो अगर इसकी ग्लू टेप टूट जाए तो उस बैटरी को आप किस तरह बिल्कुल सेफ तरीक़ों से फ्रेम से अलग कर पाएंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो स्ट्रिप दिया हुआ है और इसके नीचे रबर टाइप की ग्लू है और इसको आपको बाहर की तरफ खींच लेना है। अगर इसको बाहर की तरफ खींचने से इसके अंदर से पूरी रबर टाइप की ग्लू निकल जाए तो हमारा बैटरी फ्रेम से बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगी। और अगर ये ग्लू ना निकले तो आपको बैटरी को किस तरह फ्रेम से अलग करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले कोशिश करते हैं ग्लू को निकलने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं इसको कितना केयरफुली रिमूव कर रहा था फिर भी ये टूट गया। और ये ज़्यादातर फ़ोनों में टूट जाते हैं जब फ़ोन ओल्ड हो जाते हैं।
और यहाँ पे देखिए इस साइड में भी टूट गया। तो अभी मैं आपको इसको रिमूव करने की सेफ और सही तरीका दिखाऊंगा जिसमें आपको कोई रिस्क ना हो। तो इसके लिए मेरे पास एक प्लास्टिक है और ये बैटरी की पैकेट था, तो मैं इस बैटरी को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करूँगा। और आप चाहे तो जो ओसे की वेस्ट पेपर जो हार्ड पन्ने होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा ओपनर यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। तो इसको हम साइड से इस तरह अंदर डालेंगे और जब थोड़ा सा गैप बन जाए तो हम ओपनर में फेलकोन स्प्रे करेंगे। इस तरह आपको थोड़ा सा सिर्फ ओपनर में ही आपको ये स्प्रे करना है, नहीं तो डिस्प्ले में फेलकोन चला जाएगा और डिस्प्ले की क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो इस तरह आपको फेलकोन को स्प्रे करना है। और आप अगर ओपनर को बाहर करके ओपनर में ही फेलकोन को स्प्रे करके अंदर डालेंगे तो वही बेहतर होगा, क्योंकि उसमें डिस्प्ले में फेलकोन जाने का कोई चांस नहीं रहता है। और दोस्तों ये फेलकोन 530। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें मैं किस तरह इस बैटरी को रिमूव करता हूँ, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इस तरह आप लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन की बैटरी की अगर पोल टेप टूट जाए तो इस तरह आप लोग बिल्कुल सेफ और आसान तरीक़ों से उस बैटरी को फ्रेम से अलग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।